नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का है। ये कहानी है स्टारडम की जंग की। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में खूब लोकप्रियता हासिल की। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना एक साथ कई फिल्मों में भी नजर आए थे, जिसमें आनंद और नमक हराम शामिल है। वहीं 1990 में एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया कि सुपरस्टार बनने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। काका के इस सवाल का बिग बी ने भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया था। राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से सवाल करते हुए कहा था, आपको कैसा महसूस हुआ जब आप नमक हराम और दीवार फिल्म करने के बाद सुपरस्टार बन गए? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी टॉप पर था, तब मैं सुपरस्टारडम शब्द का इस्तेमाल करता था क्योंकि जनता, प्रेस और फिल्म निर्माता भी इसी का इस्तेमाल करते थे। राजेश खन्ना ने अपने सवाल में अमिताभ बच्चन से आगे कहा, क्या इससे आपको कोई प्रभाव पड़ा? इसका जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, नहीं, इसका मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सफलता स्क्रिप्ट, निर्माता और कोई स्टार्स पर भी निर्भर करती है। मैं बस वहीं पहुंच गया हूं। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने कहा था कि फिल्म दीवार के ब्लॉकबस्टर होने पर उन्हें अमिताभ बच्चन से जलन होने लगी थी। इसके साथ ही राजेश खन्ना ने बताया था कि मैंने जब फिल्म से जुड़े रील्स देखे तो मैंने कहा, वाह क्या बात है। वहीं अमिताभ बच्चन ने काका की बातें सुनकर कहा कि मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ। इसके अलावा फिल्म नमक हराम में अमिताभ बच्चन को देखने के बाद राजेश खन्ना फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी से बोल पड़े थे, ये है कल का सुपरस्टार। आपको बता दें कि खुद अमिताभ बच्चन भी काका के फैन थे। बिग बी ने बताया था कि जब उन्हें काका के साथ काम करने का मौका मिला तो वो काफी खुश हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना को एक मैगजीन में देखा था। वो एक्टर की तस्वीर देखते ही काफी इंप्रेस हो गए थे और इतना ही नहीं, वो राजेश खन्ना की तस्वीर देखकर ये भी सोचने लगे थे कि ये जो शख्स है ये आखिर खाता क्या है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।